अस्सलामु अलैकुम फनी व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि जो है ना पिक्सलैब के ऊपर जो है वो किस तरीके से वीडियो का जो थंबनेल ऊपर हम लगाते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है वो प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाके इधर लिखेंगे हम पिक्सलैब, पिक्सलैब लिख लें तो पिक्सलैब ये ऊपर आ गया। तो मैंने पहले इसको डाउनलोड किया है इसलिए ये इधर ओपन शो कर रहा है। आप जो है ना इसको इधर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना। जब इसको ओपन करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जो है ना सबसे पहले इसका जो है ना वो साइज़ फ़िक्स करना लाजमी है, क्योंकि थंबनेल का साइज़ आप फिक्स नहीं करेंगे तो वो कभी भी वीडियो के ऊपर नहीं लगेगा। तो देखें इधर तीन डॉट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो मेरी साइज़ है, इसको क्लिक करें तो कस्टम के ऊपर क्लिक करें तो ये लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, इसको क्लिक कर लें तो ये साइज़ आ गया 1280 और हाइट आ गई 720। तो ये इसका साइज़ जो है ना वो सिलेक्ट हो चुका है, ये मैं देखें शॉर्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना मतलब जैसे कि ये टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपने इधर टाइप करना है, जैसे कि मैंने टाइप किया यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने टाइप कर लिया और इसको जो है ना वो इस शेप में मैंने रख दिए। तो इसको आपने जो है ना वो मुख्तलिफ टेक्सचर वगैरह लगा के या इसका कलर जो है ना वो भी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से इधर से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर जो है ना वो आप जो है ना जो मर्जी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड आपने लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इधर ये आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक कर लें, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये भी इधर से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके कलर्स भी चेंज कर लेने, और ये साइडों से बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। देखें वो किस तरीके से चेंज होगा, ये आपको कलर नज़र आ रहा है, इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना ब्लैक, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड करना है या फॉन्ट स्टाइल जो है ना वो चेंज करना है तो ये आपको नज़र आ रहा है पेंडिंग, इसके ऊपर क्लिक करें, या फिर ये आपको नज़र आ रहा है जी फॉन्ट, इसको क्लिक करें और ये आपको कोई मर्ज़ी से इधर आप सेलेक्ट कर लें, वो वैसे जो है ऊपर देखे चेंज हो रहा है। तो ये मैं जो है डेज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ये इस तरीके से चेंज हो गया। तो ये देख लें हमारे पास ये हो गया। अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, तो ये बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, कलर्स कलर्स जो भी आपने रखना है, ये देखें बैकग्राउंड जो है ना वो कलर चेंज हो रहे हैं। अब बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड पे आप इमेज भी लगा सकते हैं, ये इमेज के ऊपर क्लिक करें, ये आपके सामने इमेज से आ जाएंगे, ये बैकग्राउंड जो है ना वो इमेज भी लग सकता है, ठीक है। ये देखें जी बैकग्राउंड मैंने जो है ना वो पिक्चर लगा दी, ठीक है। अब बैकग्राउंड पिक्चर लगा दी, उसके ऊपर जो है ना आप अपने को चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई और इसके ऊपर जो है ना वो लिखना चाहते हैं तो इधर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और टेक्स्ट, और इधर टेक्स्ट आ जाएगा और फिर आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। तो ये देखें मैंने लिख दिया, अब इसको जो है इस तरीके से हमने अब इसको इसके बैकग्राउंड में कोई पट्टी लगाना चाहते हैं तो ये देखें जी ऑप्शन है हमारे पास ये पट्टी का, ये बैकग्राउंड आ गई। इसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको जो है ना वो आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और इसका बैग ये देखें हमारे पास बन गया लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। तो इस किस्म के आप जो है ना वो थंबनेल अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं इसके ऊपर पिक्सलैब के ऊपर, और इसका जो है ना ये जो है चेंज करना चाहते हैं स्टाइल्स वगैरह, ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कलर्स, ठीक है, ये भी टेक्सचर के कलर्स भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है तो हम लिहाजा इसके जो है ना वो स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, आपको बता दूँ। ये देखें इस तरीके का आप कोई भी स्टाइल जो है ना वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस किस्म के जो है ना वो थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अब थंबनेल बन चुका है, इसको सेव करना है तो इसको आप इधर से सेव कर सकते हैं, इधर से आप जो है सेव एज के ऊपर क्लिक करें तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो जाएगा।
तो ये आप इस तरीके से अपना कोई भी थंबनेल बना सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं कि मैंने इससे पहले भी बनाए हुए हैं, तो ये आपको दिखा दूं कि मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल्स बने हुए हैं, ये देखें। तो आप जो है ना इस किस्म के टेक्सचर जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। पिक्सलैब के ऊपर ये मैंने मुख्तलिफ़ सैम्पल्स बनाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो है ना ये इस तरीके से जो है बना सकते हैं पिक्सलैब के ऊपर थंबनेल, बहुत आसान तरीका है। ये मुख्तलिफ मैंने बनाए हुए हैं, आपको शो करवा रहा हूँ। तो मेरी